Okay, now today let's find the mass percent. Is this color visible to all of you? Yes, sir. Okay, mass percent kaise dhoondte? Okay, mass percentage. Now, let's take a simple example first. Okay, let's take the example of water. What is the formula for water? H2O. Okay. H2O is the formula for water. Now I want to know from you all, what is the mass of water? Water ka mass kitna hai? Do hydrogen? 180. Pakka? Check karna. ये देखना, आई एम गेटिंग समथिंग एल्स. 18. ठीक है. ओके, सो इफ यू राइट लाइक दिस, व्हाट डज इट मीन? ओके, इफ वी राइट 18 यू एंड 18 ग्राम्स, व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस मीन्स 18 यू मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. इसका मतलब ये है, ठीक है. और 18 ग्राम्स का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल, और वन मोल में बेटा होता है 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स. कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10^23 ऑफ वाटर. ठीक है. तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से अनंदिता ने पूछा था कि डिफरेंस क्या होता है. तो अनंदिता, डिफरेंस क्लियर? 18 यू और 18 ग्राम्स जब लिखेंगे तो डिफरेंस क्या होगा? यस सर. ओके, नाउ व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर? व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन? एग्जैक्टली. ओके, टू. Now, if we have to find the mass percent of hydrogen, ठीक है, हमें ढूंढना है mass percent of hydrogen. तो हमें क्या लेना पड़ेगा? Mass of hydrogen numerator में होगा, ठीक है, denominator में हो जाएगा mass of water, total mass. अब percentage में है तो किस चीज से multiply करते हैं? 100 से. 100. So let's find out. What did we find out the mass of hydrogen to be? 2. What is the mass of water? 18. And multiplied by 100. Okay, multiplied by 100. So, 1. Mera video to off hai na, beta? Yes, sir. Okay. 9 ones are 9, 10, 9 ones are 9. Dot. So 1%. This is the mass percent of hydrogen in water. अब मुझे ये बताओ, अब अगर मुझे mass percent of oxygen बोला है, तो water में दो ही चीज है ना, hydrogen and oxygen. So 16/18 × 100. Either हम ऐसे कर देंगे, और सिंस दे आर ओनली टू थिंग्स, वी कैन ऑल्सो डू वॉट, 100 - 11.11. ओके, वी विल गेट द सेम आंसर. दोनों केस में हमारे आंसर सेम ही आएगा. इसमें हो जाएगा 88.89%. ठीक है, सॉल्व करके देखो, इसमें भी हमारा सेम ही आएगा. 2 8s, 2 9s, तो हमारे पास कितना आ गया ना, सेम ही आ गया. ठीक है, सो वी कैन डू इट बाय एनी मेथड. नाउ आई वॉन्ट यॉल टू फाइंड फॉर, नाउ इट इज अ क्वेश्चन, आई वॉन्ट यॉल टू फाइंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया. ठीक है, सो आई एम गिविंग यॉल 2 to 3 minutes to solve it. कितने मिनट? 2 to 3 minutes. Okay, सुव्रत, ये बेटा देखो,
इसमें मैंने ना कहा मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया ढूंढना है, ठीक है? तो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम अमोनिया लिखेंगे, ओके? अमोनिया में बेटा एक नाइट्रोजन है, देयर इज वन नाइट्रोजन एंड देयर आर थ्री हाइड्रोजन्स। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो यहाँ पे टोटल मास कितना आ गया? 17, ठीक है? और जो नाइट्रोजन का मास है इन अमोनिया, दैट इज 14। ये देखो यहाँ पे 14, ठीक है? सो अब हमें अगर मास परसेंट ढूंढना है, मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन अगर हमें ढूंढना है, तो वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ अमोनिया इंटू 100। तो ये हो गया आपका 14। अब मैं रफ कर रहा हूँ, रफ आई डू इट विद अ डिफरेंट कलर। सो 14 डिवाइडेड बाई 17। हाँ जी बेटा, सर द आंसर इज 82.35%। एग्जैक्टली, 8 7 56, ये 12 आ गया, ये हो गया 14, और ये 14 तो एक और 0, 88। ओके, सो ये फिर से, ये तो 88.8% आ रहा है बेटा। मैंने कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया? 17 डिवाइडेड बाय 140, 8 7 56, 5 8 1 8 plus 5 12, 6 4 10, 2 1 3, 140, I am getting 88%. I am not getting 82. Where are we going wrong? Check करें, मेरा 88.8% आ रहा है, ठीक है? So ये एक next question करते हैं, पता चल जाएगा कहाँ पे गड़बड़ है। ये आ गया सबको समझ में? Now let's calculate another question. We have to calculate mass percent of hydrogen in methane. Okay, carbon का होता है 14U, hydrogen का होता है 1U. तो जल्दी से मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन मिथेन, एंड यू ऑल हैव एग्जैक्टली 1 मिनट टू कंप्लीट इट। सो लेट्स चेक, ठीक है? हमारे पास व्हाट इज द मास ऑफ मिथेन, व्हाट इज द मास ऑफ मिथेन दैट यू ऑल गॉट? 18। पक्का? yes, अच्छा मैंने गलत लिखा है, कार्बन इज 12, सॉरी बाय मिस्टेक। ओके, मास ऑफ हाइड्रोजन आउट हियर इज 4U, सो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स 100, 4 1s are 4 4s are, so it will become 425%. ठीक है, my mistake. Okay, I'm sorry. Now next question. I think so. This color is more visible, right? ऊपर वो dark color से better है ना ये color? Now we have to find mass percent of carbon in glucose. C6H12O6, जहां पे कार्बन का है 12U, हाइड्रोजन का है 1U एंड ऑक्सीजन का होता है 16U. ओके, गो अहेड। ओके, वी हैव 2 मिनट्स टू कंप्लीट इट। ओके, लेट्स चेक, C6H12O6, okay, 66, okay, so 6 times 12 plus 12 times 1 plus 6 times 16
6 12 72 plus 12 plus 96, so 10 हो गया, 9 1 10, 11 11 plus 7 18 यू हो गया, और इसमें हमें कार्बन का ढूंढना है, तो दे आर 6 कार्बन्स, दैट वुड बी 72. सो नाउ वी हैव टू फाइंड मास परसेंट ऑफ कार्बन, दैट वुड बी 72 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100. 0 0 कट गया, 18 4 72 18, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया. बेटा मेरा तो 40% आ गया, 40. मेरा भी 40 आ रहा है, मेरा भी 40% है गाइस. क्या हुआ? ओके सर, आई गॉट 40 नाउ, आई एक्चुअली यूज 12 इनसाइड ऑफ 72. ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. Calculate the mass of carbon in A, C2H6, B, C2H4, and C, C2H2. तो तीन क्वेश्चन दिया है जहां पे कार्बन का आप लोगों को याद हो ही गया होगा 12U होता है, हाइड्रोजन का इट इज 1U. सो सिंस आई हैव गिवन यू ऑल 3 क्वेश्चंस, आई एम गिविंग यू ऑल 4 मिनट्स टू सॉल्व इट नाउ गाइस. ठीक है, लेट्स चेक. वी हैव अ C2H6, इसका हो जाएगा 2 टाइम्स 12 प्लस 6 टाइम्स 1, दैट वुड बी इक्वल्स टू 24 प्लस 6, दैट इज इक्वल्स टू 30U. फिर C2H4, दो ही हाइड्रोजन का मैं तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, आप लोग चेक करना, यही आएगा. फिर C2H2, दो हाइड्रोजन का मैं 26U. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो है 6U, यहाँ पे हाइड्रोजन इज 4U, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन इज 2U. सो परसेंटेज ऑफ क्या ढूंढना था, कार्बन. परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24. अच्छा, कार्बन का ढूंढना था, 24 डिवाइडेड बाय 30 टाइम्स 100. आउट हियर ऑल्सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24 टाइम्स 28, एंड यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24 अपॉन 26 टाइम्स 100 and times 100. So this goes to 15s are 30, 2 15s are, 2 12s are, 3 5s are, 3 4s are, 5 20s are. Out here 4 7s are, exactly 4 6s are, 2 13, 2 12. तो पहला वाला हो जाएगा 80%. ओके, दूसरा वाला कितना हुआ, 600 बाई 7, बताएं? 85.71%. और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, 92.3%. यही है 92.3%. ओके, ये अब आ गया समझ में कैसे करते हैं परसेंटेज, मास परसेंट. यस सर. ओके, वन मोर लास्ट क्वेश्चन ऑफ मास परसेंट एंड देन वील गो अहेड टू मोल कॉन्सेप्ट. ओके, सो इन क्वेश्चन, इन सुक्रोज, दैट इज द शुगर दैट वी ईट, C12H22O11, find the percentage of A, carbon, B, hydrogen, and C, oxygen. तीनों का percentage ढूंढना है. Again 4 minutes for y'all. So let's start. So let's check the answer. Let's check.
So C12, H22, O11 is basically 12 times 12 plus 22 times 1 plus 11 times 16. That is, if I'm not wrong, keep on checking, okay? So this would be 196. So 6, 4, 10, 11, 12, 9, 1, 10, 11, 12, 12 plus 5, 12 plus 4, 16, 1, 362. Sir, 11 into 16 is 176. Yes, sir, 176. So 342? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So it is 342. इसमें कार्बन आ गया है, कार्बन इज 144, हाइड्रोजन इज 22U, कार्बन 144U, ऑक्सीजन इज 176U, सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 144 अपॉन 342 टाइम्स 100. व्हाट इज द आंसर? 42.1%. Okay. Same answer? Yes, sir. Yes, okay. Percentage of hydrogen is 22/342 times 100. How much is that? 6.43%. 6.43%. ठीक है? This means that what would be the percentage of oxygen? Oxygen kitna ho jayega? 176 upon 342 times 100. Kitna ho jayega? 50.87. 1.46. सर, आई एम गेटिंग 50.87%. एक बार फिर से चेक करो, क्योंकि 50.87 से 100 नहीं बन रहा है. लाइक इफ यू वांट टू चेक द आंसर, ओके, इफ यू वांट टू चेक द आंसर, लेट्स चेक. 42.1 प्लस 6.43 प्लस 51.46, 639, 1 कैरी ओवर, 10, 1 carry over, 10, 1 carry over, 10. And Anandita said how much? 50.87. Okay, let's check. 43 and 50.87. Dono check karte hain. Ye aa gaya 7, 8, 9, 10. Ye ho gaya 8, 4, 12, 13, 14. And then we have 1 carry over, 9. And 9. Okay, both are very close by. ठीक है, ठीक है, दोनों सही है. अब आ गया समझ में ये चीज? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now let's come to what we have been waiting. The best part about this chapter. Mole concept. एक बार आप तीनों में से किसी के पास book open है? नहीं? हाय गाइस, कहाँ चले गए? पलक, अनंदिता, सुव्रत, सर, आई एम जस्ट ओपनिंग द पेज. ओके, ठीक है, ठीक है. द अदर वन इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू given mass wala to ho gaya, is equals to number of particles divided by Avogadro's number, that is 6.022 into 10 raised to the power of 23. ठीक है, कोई टॉपिक तो बीच में स्किप नहीं हुआ है, मिस नहीं हुआ है, ये चेक करना आनंदिता. ठीक है,
So these are the formulae. These are the formulae, my dear friends, for our mole concept. अगर मोल कॉन्सेप्ट करना है तो अगर हमें ये दो फॉर्मूले याद होंगे तो वी कैन इजीली डू मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, आई होप यू ऑल हैव रिटन इट साइड बाय साइड. हाँ गाइस, हैव यू रिटन इट? Yes, sir. ओके Just a minute. ओके, जल्दी से लिखे. सुव्रत ने लिख लिया? नहीं लिखा? ओके, लेट्स गो. नीचे करूं बेटा? आनंदिता, फर्स्ट फॉर्मूला लिख लिया? ओके, Yes, sir. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. आई दिस वाज आई डिड नॉट चेंज this one. Okay, so question: find number of moles, find number of moles in I moles in 54 grams of water. ठीक है, अब देखना कैसे करेंगे. सबसे पहले वाटर का मोलर मास ढूंढेंगे. मोलर मास हो जाएगा 2 × 1 + 16, दैट इज इक्वल्स टू 18 ग्राम्स पर मोल. ये हो गया मोलर मास. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है तो गिवन मास 54 डिवाइडेड बाय मोलर मास 18, तो कितने मोल्स हो गए? ठीक है, आया समझ में? यस सर. ओके, सो आई एम गिविंग योर क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस. ए कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 112 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, जहाँ पे एक नाइट्रोजन का होता है 14. नंबर टू, 100 ग्राम्स ऑफ H2, ओके, एच का होता है 1. फिर थ्री, 1.6 ग्राम्स ऑफ CH4, सी का होता है 12. फोर वन 32 ग्राम्स ऑफ CO2, ऑक्सीजन का होता है 16. ठीक है, एंड 500 ग्राम्स ऑफ CaCO3, कैल्शियम का होता है 40. सो दिस इज द क्वेश्चन. गिविंग यू ऑल 5 मिनट्स वुड बी फाइन आई गेस.